तो आज यहाँ पे देख सकते हैं हमने घूमने के लिए आए हैं, तो सोचे चलो कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दे। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते समय काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर दिया हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। IRCTC रेल कनेक्ट आप लोगों को एक मिनट पहले लॉगिन कर लेना है। मैं सबसे पहले देख सकते हैं मैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद हमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड फिल करेंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे। मैं तो फटाफट यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप टाइम भी देख सकते हैं, 10:59 कुछ सेकेंड हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को प्लान वाइज जोनी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे टू स्टेशन सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो इस समय जो है ना IRCTC की वेबसाइट जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करता है। इसके बाद मैं सुल्तानपुर से न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद कोटा भी सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाता है। फर्स्ट ट्रेन पे कुछ लोग यहाँ पे गलत टाइम पे क्लिक करता है, जिसकी वजह से वो लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट ट्रेन पर 11:03 के अंदर पर क्लिक करना है। आप लोगों को एग्जैक्ट 11 क्लिक नहीं करना है, क्योंकि क्लिक करेंगे तो आपको बफरिंग होने लगेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को 20-25 सेकेंड भी बर्बाद हो सकते हैं। और इसके बाद बता दूं, हार्ड रूट में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अभी रिटर्न के टाइम है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, फिर भी देखते हैं बुक करने के लिए। मैं तो फर्स्ट ट्रेन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रेन सेलेक्ट करना है, महामाना ट्रेन है एक, तो मैं सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद देख सकते हैं मैं सीट भी अवेलेबिलिटी शो कर दिया, आई एग्री पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑलरेडी मैं मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल सेव करके रख चुका हूँ, तो सिंपल हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और जब टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को मास्टर लिस्ट पहले से ही बना के रख लेना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद हमें बुक टिकट ओनली कंफर्म बट कर देता हूँ। इसके बाद दिल्ली का हमें एड्रेस फिल करना है, क्योंकि दिल्ली रिटर्न आना है, तो मैंने एरिया पिन कोड भी डाल दिया हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा, तो मैं पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे इंश्योरेंस सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं बुक टिकट प्लीज़ वेट, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको 20-25 सेकेंड लग ही जाता है, यदि 1-2 नाम होगा तो, और 3-4 नाम होगा तो पता नहीं कितने मिनट लग जाएंगे, कई बार मिनट भी लग जाते हैं। इसलिए तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए 1-2 नाम ही एक साथ बुक करें, क्योंकि आप 2 नाम बुक करते हैं तो कन्फर्म टिकट बुक होने के ज़्यादा चांसेस रहता है। देख सकते हैं सेकेंड पेज पर आ चुका हूँ मैं, फिर भी बुक टिकट प्लीज़ वेट, ये प्रॉब्लम देखने को मिल ही जाता है। देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने सेकेंड पेज पे नहीं आ चुका हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड कैप्चर हमें फिल करना होगा, तो मैं फटाफट कैप्चर फिल करता हूँ। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करता हूँ। हमें भी पता नहीं है कि टिकट कंफर्म बुक हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, यस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें वेट करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं पेटीएम वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, पेटीएम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा, OTP फिल करना होगा। देख सकते हैं प्रोसेसिंग पेमेंट। इसके बाद हमें पेटीएम सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर भी चेंज करना होगा, क्योंकि इस अकाउंट इस नंबर से हमें पेटीएम अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो दूसरा मैं मोबाइल नंबर डालूंगा। तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप कोशिश कीजिए सेम मोबाइल नंबर होगा, तो आपको 20 से 25 सेकेंड आपको बच जाएगा। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है, सैंपल कॉपी करूँगा, यहाँ पर हमें पेस्ट करेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कर दिया हूँ तो देखते हैं यहाँ पे टिकट बुक हो पाता है नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं टिकट हमारा कंफर्म बुक हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से भी कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।